स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों रिफॉर्म्स लिया गया था 1991 में, ठीक है। ये तीनों रिफॉर्म्स 1999 में लिया गया था। तो इसका एक मिक्स्ड रिएक्शन हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करने के कारण। 1991 में ये तीनों पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों पॉलिसी लेने के कारण एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मिक्स्ड रिएक्शन हमारे देश में देखा गया था। तो वो मिक्स्ड इकोनॉमिक रिएक्शंस का क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक जो एक मिक्स्ड रिएक्शन हुआ था उसका कुछ आर्गूमेंट्स भी है और कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट आर्गूमेंट। नंबर वन, फर्स्ट आर्गूमेंट्स क्या है? फर्स्ट आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द आर्गूमेंट्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अच्छा क्या हुआ था? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया था, ये 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ था उससे क्या हुआ था, हमारे देश का ग्रोथ बढ़ गया था। पहले 1980 टू 1990 तक हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ था 5.6%, ठीक है। इस टाइम पे 80 टू 90 में हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ था 5.6%, बट इन 1992 टू 2001 आवर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज टू 6.1%। ये एक रीज़न था कि हमारे देश का ग्रोथ बढ़ गया था ड्यू टू रिफॉर्म्स। ओवरऑल ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्यू टू रिफॉर्म्स इन 1999। तो इससे क्या हुआ था, ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स पीरियड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी मेनली ड्राइवन बाय द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो ये जो आपका ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है कि ये ग्रोथ बढ़ गया है, तो ये ग्रोथ किस लिए बढ़ गया था? ये ग्रोथ बढ़ गया था ड्यू टू सर्विस सेक्टर का ग्रोथ के कारण, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आया था, ठीक है, इसके कारण, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ था, ग्रोथ बढ़ गया था और ये ग्रोथ बढ़ के 8% हो गया था, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बढ़ के कितना हो गया था, ये सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बढ़ के 8% में आ गया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या अच्छा हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने के कारण। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था उसका मेन रीजन था रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस मतलब हमारे देश में डॉलर जो जिससे हम लोग बाहर के देश के साथ बिजनेस करते हैं वो हमारे देश में बहुत घाटा में पड़ गया था, बहुत कम हो गया था, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था 1991 में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम था, कितना था, डॉलर 3962 मिलियन, ठीक है। ये 1991 में था, बिफोर 1991 इट वाज 3962 मिलियन डॉलर हमारे देश में था। पर इन 1995 में जब हम लोग आ रहे हैं आफ्टर रिफॉर्म्स, इट बिकम्स 25,186 मिलियन में पहुंच गया था, ठीक है। इस चार साल में ही ये इतना में पहुंच गया, 25,186 मिलियन रिजर्व डॉलर का रिजर्व हो गया था, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बढ़ गया था। और आज एट प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा देश फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। सो दीज आर द फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इनफ्लो ऑफ कैपिटल,
इनफ्लो ऑफ कैपिटल और इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, सब दरवाजा खुल गया था, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग FDI बोलते हैं ये बहुत बढ़ गया था। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था ये हमारे देश में बहुत ही बढ़ गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ FDI नहीं रहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी रहता है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी रहता है। तो देखो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये 1990 में ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था 100 मिलियन ओनली, ठीक है, ये था 100 मिलियन ओनली। बट अगर हम लोग 2003-04 में आते हैं, 2003-04 में आएंगे तो देखेंगे यही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $150 बिलियन में पहुंच गया था, ठीक है, 150 बिलियन में पहुंच गया था ये, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया था, जो कि पहले 100 मिलियन था उससे कहीं गुना बढ़ गया, 150 बिलियन में पहुंच गया था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ये कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, रिफॉर्म्स के कारण बहुत सारा रिफॉर्म्स लिया गया था, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म्स था उनमें बहुत सारा रिफॉर्म्स था, टैक्स रिफॉर्म्स था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स था। इससे क्या हुआ, हमारे देश का जो प्राइस था, प्राइस बहुत कंट्रोल में आ गया था, दैट मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया था। प्राइस कंट्रोल मीन्स, प्राइस कंट्रोल मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये जो रिफॉर्म्स हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म्स हुआ, इससे प्राइस कंट्रोल में आ गया था। प्राइस कंट्रोल मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया था, जो कि 1991 में हमारे देश का इन्फ्लेशन कितना था, 17%, मतलब 2 डिजिट में चला गया था। वही 1993 में 6.5 में आ गया, 6.5% में आ गया, और 2007-08 में ये 4.4% में आ गया। तो ये था आपका फेवर, कुछ आर्गुमेंट्स जो हम लोग इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग प्राइस को भी कंट्रोल कर लिए थे इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से। फिफ्थ जो पॉइंट था वो था इंक्रीज, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइसेंसिंग चला गया था, एबॉलिश हो गया था, लाइसेंसिंग एबॉलिश हो गया, ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस था जो हटा दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस जो था बिजनेस में जो रिस्ट्रिक्शंस था वो रिस्ट्रिक्शंस भी रिमूव कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बहुत बढ़ गया, ठीक है, जो रिजर्व्ड पब्लिक सेक्टर का जो रिजर्व्ड पॉलिसी था कि सब उसके हाथ में रहेगा, तो वो उसके हाथ से वो चला गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, मतलब इनलार्ज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने से क्या हुआ, डेफिनेटली हमारा देश का प्रोडक्शन, सर्विसेज, ये सब धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।